From unsolved art, answer imagined art. That's my perception. Let's together start to our inception. हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कैसे ये ब्यूटीफुल बास्केट बनाए, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। इस बास्केट को बनाने के लिए आपको चाहिए न्यूज़पेपर, एक वुल और एक प्लास्टिक लिड, बस इतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को पूरी तरह खोल लें और फिर उसको फोल्ड करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे फोल्ड कीजिए कि सबसे छोटा हिस्सा बन जाए, इस तरह से चार हिस्सों में, फिर और आठ हिस्से इस तरह से, और फिर 16 हिस्से इस तरह से। और हमें इन क्रीज को अच्छे से दबाना है ताकि जब हम इसको कट करें तो क्रीज की मदद से हम इसको इजीली डिवाइड कर सकें। क्रीज की मदद से पेजेस को हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे एक और पेज करेंगे, और जब तक हमें इतने छोटे हिस्से नहीं मिल जाते, सारे न्यूज़पेपर को इस तरह छोटे हिस्सों में हम काट लेंगे। फिर छोटा हिस्सा लेंगे, उसके एक कोन से हम उसको रोल करना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके पेपर ट्यूब्स बनाएंगे इस तरह से रोल करते हुए। रोल करने के बाद एंड पे रीच करने के ग्लू से उसको सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही टोटल 8 स्टिक्स बना लेंगे इस तरह से। फिर इन 8 स्टिक्स को हम बीच में से काटेंगे ताकि टोटल 16 स्टिक्स बन जाए। 8 2 6, छोटी वाली 16 स्टिक्स। अब इस प्लास्टिक के ढक्कन को हम लेंगे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं उसके एजेस काफ़ी अनइवन है, तो इसको हम ट्रिम आउट कर लेंगे सीजर्स की मदद से। अब हमने ढक्कन को ट्रिम आउट कर लिया है, तो उस पर स्टिक्स चिपकाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ स्टिक्स को हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ, बट आप सिंपली फेविकॉल या कोई भी टाइप का ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फूड स्टिक को भी चिपका रही हूँ, और इस तरह से मैं सारी बाकी स्टिक्स को भी चिपका दूंगी। फिर थोड़ा और हॉट ग्लू लगा के उसको अच्छे से सिक्योर कर दूंगी ताकि वो हिले डुले नहीं। इस तरह से फिर हम वूल को लेके उसके आर पार डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं एक स्टिक छोड़ के दूसरी स्टिक के पार से वूल डाल रही हूँ ताकि हम वीविंग वाली इफेक्ट क्रिएट कर सकें। एक के बाद एक इस तरह से। अब यही प्रोसेस जब तक आप डिजायर्ड हाइट नहीं रीच करते, तब तक यही प्रोसेस को रिपीट करते रहे। हमने हाइट रीच कर ली है। अब हम जो ट्रिम आउट की एजेस थी ढक्कन की, उसको अच्छे से हम काट लेंगे। इसको हम बास्केट के हैंडल की तरह यूज करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा डिज़ाइन और पैटर्न्स से भरा बनाते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि उसको एक ज़िगज़ैग वाली इफ़ेक्ट मिले। इन ट्रायंगल्स को मैं सीजर्स की मदद से काट लूँगी, और फिर ये कुछ इस तरह दिखेगी। अभी जो एजेस है बास्केट की, ऐसे काट लेंगे सारी, और फिर हॉट ग्लू गन की मदद से उसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि वूल बाहर ना निकल जाए इन स्टिक्स में से, इस तरह से।
पूरे सर्कमफेरेंस पे और फिर लिड की जो हैंडल है उस पे दोनों साइड हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह से हम उसको स्टिक कर लेंगे अच्छे से सिक्योर करते हुए। तो बेसिक बास्केट तो हमारा बन गया है, अभी थोड़ा डेकोरेशंस करते हैं उस पर। यहाँ पे मैं कुछ चमकीली मिरर्स और वॉशिंग टेप को यूज़ करके उसको थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। तो हो गया हमारा बास्केट रेडी, चलिए उसमें कुछ फ्लावर्स और चीज़ें डाल के उसको सजाते हैं। तो ये था हमारा बास्केट। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।